मेरा नाम सुमन छेत्री और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन कैक्टस के बारे में, किस तरह से इस ऑपरेशन को भारत के पैराट्रूपर्स ने अंजाम दिया था, किस तरह से तख्त पलट की कोशिश को नाकाम किया था भारत के सैनिक ने, पूरा जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। आप सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं मालदीव्स के बारे में सुना ही होगा। अभी ब्यूटीफुल ये देश है और ये काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। काफ़ी सारे टूरिस्ट हर साल यहाँ पर हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा देश है और एक मुस्लिम देश है। कहाँ पर लोकेटेड ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भारत, भारत के नीचे श्रीलंका, श्रीलंका के नीचे आपको ये बड़ा सा ओशन, इसका नाम है इंडियन ओशन, सभी को पता ही होगा। वहाँ पर आपको छोटे छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे होंगे, ये सब है मालदीव। मालदीव्स में अब हम बात करें तो 1000 से ज़्यादा कोरल आइलैंड है। हालांकि यहाँ पर 200 में ही सिर्फ इंसान रहते हैं, बाकियों में इंसान बिल्कुल नहीं रहते। मालदीव्स का कैपिटल है माले। यहाँ पर आपको माले शहर आपको दिखा देता है। पहले बात कर लेते हैं कि मालदीव्स का टोटल एरिया है 300 स्क्वायर किलोमीटर, और माले शहर का बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको माले शहर का फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। माले शहर का एरिया है सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर, और माले के पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये और एक आइलैंड, वो है मालदीव का एयरपोर्ट, उसका नाम है हुलहुले एयरपोर्ट। एक लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस ऑपरेशन में, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अब थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स को आज़ादी मिला था 1965 में। उससे पहले मालदीव ब्रिटिश के अंडर में आता था। 1965 के बाद इब्राहिम नासिर को पहला राष्ट्रपति चुना गया था ऑफ मालदीव। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति थे महूम अब्दुल गयूम, पहले दूसरे राष्ट्रपति थे आफ्टर इब्राहिम नासिर। ये 2008 तक राष्ट्रपति रहे थे ऑफ मालदीव। इनके समय में ही इस ऑपरेशन को, यानी ऑपरेशन कैक्टस को लॉन्च किया गया था। अब देख लेते हैं इस ऑपरेशन को क्यों लॉन्च किया गया था। बेसिकली इस ऑपरेशन को इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि मालदीव्स में तख्तापलट की कोशिश की गई थी। उसी को रोकने के लिए मालदीव गवर्नमेंट ने भारत के साथ हेल्प मांगा था। उसी के तहत भारत ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया। जब प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम थे उनके वक्त ये तख्तापलट हुआ था, बट ये पहला बार नहीं था उस तरह का घटना उनके प्रेसिडेंसी के दौरान हुआ था। 1980 में भी तख्तापलट की कोशिश की गई थी, बट ये दो अनसक्सेसफुल रह गए थे। बट जो तीसरा कुडेटा था या फिर तख्तापलट था जिसके कारण भारत को ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा था, ये काफ़ी बड़े लेवल पे था, उसी कारण भारत ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था मालदीव सरकार को बचाने के लिए। अब ये देखते हैं जो तख्तापलट था उसे करने का कोशिश किसने किया था। बेसिकली जो बिजनेसमैन था अब्दुल्ला लतीफी मालदीव्स का, जो श्रीलंका में रहता था, उसने और जो श्रीलंका के विद्रोही दल थे PLOT पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल, इन्होंने ये तख्तापलट करने का कोशिश किया था। इन लोग का बेसिक एम ये था कि अब्दुल गयूम को प्रेसिडेंसी पे गिराया जाए और अब्दुल्ला लतीफी को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया जाए, ताकि जो PLOT थे उनको इलीगल काम करने में अब्दुल्ला लतीफी हेल्प करे, स्मगलिंग करने के लिए हेल्प करे। बेसिक एम ये था, बट इन सब के इरादों पर भारत के पैराट्रूपर्स ने पानी फेर दिया था। पहले यहाँ पर 80 से 100 PLOT की मर्सिनरीज ने श्रीलंकन फायर फाइटर्स की स्पीड बोट चोरी कर ली और वो पहुँच गए मालदीव शहर। मालदीव शहर पहुँच कर उन्होंने माले शहर को मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग, एयरपोर्ट, पोर्ट, टेलीविजन और रेडियो स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद मर्सिनरीज मूव कर गए प्रेसिडेंट हाउस की तरफ। जब प्रेसिडेंट हाउस पहुँचे मर्सिनरीज वहाँ पर गयूम नहीं थे, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने जब गोलीबारी की आवाज़ सुनाई थी उनको, तब प्रेसिडेंट को वो NSS यानी कि नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर में जाकर उनको छिपा दिया था। बट जो अन्य मंत्री थे जैसे कि मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर के सास को यहाँ पर बंधक बना लिया गया था। इमीडिएटली यहाँ पर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी सारे देश को कॉल करना शुरू कर दिया और हेल्प मांगना शुरू कर दिया। श्रीलंका को उन्होंने कॉल किया, इंडिया को कॉल किया, पाकिस्तान को कॉल किया, सिंगापुर और UK को भी कॉल किया था। श्रीलंका और पाकिस्तान ने यहाँ पर हम कैपेबल नहीं है कहकर यहाँ पर उनके प्रपोजल को डिनाई कर दिया, और सिंगापुर ने भी कुछ इसी तरह का रीज़न दिया था। और यहाँ पर उसके बाद आता है US का जवाब। US ने बोला कि हमारा जो आइलैंड डियागो गार्सिया जो इंडियन ओशन में है, वहाँ से हमको आने में लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे, तो आप एक काम कर लीजिए, भारत से हेल्प मांग लीजिए। और UK ने भी कुछ इसी तरह का कहा था कि आप भारत से
हेल्प मांग लीजिए क्योंकि ये एरिया भारत के हक में आता है। जब मालदीव्स के विदेश सचिव ने भारत को कॉल किया, भारत ने तुरंत एक दो घंटों में ही एक मीटिंग बुलाया। उसके बाद भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस बेसिकली इसलिए दिया गया था क्योंकि मालदीव्स में काफ़ी सारे कोरल रीफ पाए जाते हैं। कोरल रीफ काफ़ी चुभते हैं कैक्टस की तरह ही, उसी को देखते हुए इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन कैक्टस। 1600 जवान पहला बार इस तरह का कुछ काम करने जा रहे थे जिनका उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। और ये इतना आसान भी नहीं था भारत के लिए क्योंकि अनजान जगह में जाकर लड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और भारत ने काफ़ी अच्छी तरह से इस ऑपरेशन को पूरा किया था और मालदीव्स के प्रेसिडेंट को बचाया था। इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था 3 नवंबर 1988 को, रात को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था जब हमारा इल्यूजन 2 एयरक्राफ्ट था इंडियन एयरफोर्स का, उसने एयरलिफ्ट किया था 1600 पैराट्रूपर को फ्रॉम आगरा एयरबेस टू हुलहुल एयरपोर्ट। हुलहुल एयरपोर्ट बेसिकली मालदीव्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और 2000 किलोमीटर फ्लाई किया था 1600 यहाँ पर पैराट्रूपर्स ने फ्रॉम आगरा एयरबेस टू हुलहुल एयरपोर्ट। काफ़ी लंबा फ्लाइट था और 9 घंटे के बाद वो मालदीव्स पहुँच गए। ये जो फ्लाइट है आपको दिखाई दे रहा होगा, इल्यूजन 2 फोटो देख रहे होंगे, इसी ने ही हमारे 1600 जवान को मालदीव्स तक पहुँचाया था। लगभग 9 घंटों के बाद भारत मालदीव्स पहुंच गया। मालदीव्स पहुंचकर भारत ने लैंड किया था हुलहुल एयरपोर्ट या फिर वेनेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बात ये जान लीजिए कि जो विद्रोही थे उन्होंने एयरपोर्ट को कैप्चर नहीं किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि इतनी दूर से उड़ान भर के कौन बचाने आएगा। बट उसी बात का भारत को फ़ायदा हुआ और भारत ने हुलहुल एयरपोर्ट में लैंड किया। और लैंड करते ही भारत ने इस एयरफील्ड को सिक्योर किया। फिर उसके बाद जो पास का शहर है माले शहर वहाँ पहुँचे। पहले हमारे इंडियन पैराट्रूपर्स ने इमीडिएटली जो एयरफील्ड था उसको सुरक्षित कर लिया। उसके बाद हमारे सैनिक मूव करके माले शहर थ्रू स्पीड बोट यूज करके हमारे सैनिक माले पहुँचे। माले पहुँचकर जितने भी बिल्डिंग्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, उन सबको अपने कब्जे में ले लिया और सुरक्षित कर लिया उनको। फिर उसके बाद हमारे सैनिक मूव कर गए NSS हेडक्वार्टर की तरफ जहाँ पर प्रेसिडेंट गयूम छिपे हुए थे। प्रेसिडेंट गयूम को यहाँ पर बचा लिया गया और विद इन 1 आवर जो माले शहर था उसको भी हमने इंडियन आर्मी के कब्जे में ले लिया था। इंडियन पैराट्रूपर्स ने राष्ट्रपति गयूम को बचाया, वहीं पर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि जो मर्सनरीज थे इंक्लूडिंग अब्दुल लतीफ़ी, उन लोगों ने फिर एक बोट हाईजेक कर लिया था जिसका नाम है MB प्रोग्रेस लाइट। और उस बोट को लेकर वो चले गए थे श्रीलंका की तरफ। बट हमारे सेना थे उसने उस बोट पर हमला किया, रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। एक रॉकेट लॉन्चर स्टीयरिंग पे जाके लग गया, स्टीयरिंग जैम हो गया, बट स्टिल वो बोट रुका नहीं और खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगा। फिर हमारे इंडियन आर्मी ने इंडियन नेवी को सूचित किया कि इस तरह का सिचुएशन है। फिर हमारे जो फ्रिगेट्स है इंडियन नेवी के INS गोदावरी और INS बेतवा ने इस जहाज़ को इंटरसेप्ट किया और जितने भी मर्सनरीज थे वहाँ पर पकड़ लिया सबको इंक्लूडिंग अब्दुल लतीफ़ी। बाद में इन सभी मर्सनरीज को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्हें हॉस्टेज बनाया गया था उनको भी यहाँ इसमें बचा लिया गया था। और सक्सेसफुली जो इस ऑपरेशन में इसको कम्प्लीट किया गया था। ये ऑपरेशन भारत के लिए काफ़ी सक्सेसफुल था जिसमें भारत की तरफ से एक भी कैजुअल्टीज नहीं हुआ, एक भी भारत का सैनिक यहाँ पर शहीद नहीं हुआ था। बट जो मालदीव के सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सब कुछ मारे गए थे और मर्सनरीज यहाँ पर कुछ मारे गए थे, बट भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इंटरनेशनली इसके लिए भारत को काफ़ी तारीफ मिला, US की तरफ से, UK ने और काफ़ी सारे देश ने भारत की तारीफ की। उसके बाद इस ऑपरेशन के कमांडर थे ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।